अजमेर में देर शाम बहरोड विधायक बलजीत यादव 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बरसात में युवाओं के साथ पुरानी चौपाटी से कलेक्ट्रेट तक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। उन्होंने दौड़ लगाने से पहले चौपाटी पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और देश की आज़ादी किसी नेता की नहीं बल्कि किसानों के बेटों ने अंग्रेजों से लड़कर कराई थी। विधायक अब तक 104 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगा चुके हैं। बहरोड विधायक बलजीत यादव रविवार शाम 8 बजे करीब पुरानी चौपाटी पहुंचे। यहां उन्होंने दौड़ से पहले युवाओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान बरसात शुरू हो गई। इसके बाद भी उन्होंने पुरानी चौपाटी से दौड़ शुरू की। यह विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। दौड़ पूरी करने के बाद यादव ने कहा कि युवाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए वह पिछले कई दिनों से दौड़ लगा रहे हैं। अपनी 14 सूत्रीय मांगों से राज्य सरकार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जब तक प्रदेश के युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा उनकी दौड़ जारी रहेगी। तलवार की धार पर चल कर आना पड़ा तो भी बलजीत यादव आएगा और आपके बीच में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। दोस्तों, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और देश को आजाद किसी नेता ने नहीं कराया था, देश को आजाद कराया था आप जैसे किसानों के बेटों ने, आवाज कराया था अंग्रेजों से।